रायपुर से बता रहे हैं। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल करेंगे ई लोकार्पण, इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम भूपेश बघेल करेंगे आज ई लोकार्पण, नवनिर्मित तीन टूरिस्ट रिजॉर्ट की ई लोकार्पण आज। वहीं सीएम ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के तहत करेंगे ई लोकार्पण। बिलासपुर के कुर्दर कबीरधाम के सरोधा, सीएम भूपेश बघेल करेंगे आज ई लोकार्पण। नवनिर्मित में तीन टूरिस्ट रिजॉर्ट की ई लोकार्पण आज है। सीएम भूपेश बघेल आज ई लोकार्पण करेंगे इनका। वहीं सीएम ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के तहत करेंगे ई लोकार्पण। बिलासपुर के कुर्धर और कबीरधाम के सदोदा दादर के में रिजॉर्ट है, जिसका आज सीएम भूपेश बघेल ई लोकार्पण करने वाले हैं। और इसी के साथ निधि जुड़ चुकी है हमारे साथ रायपुर से। निधि, क्या कुछ अपडेट है आज सीएम जो है वो इन टूरिस्ट प्लेस का ई लोकार्पण करने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट है? टूरिज्म को बढ़ावा देने, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह से एथनिक ई रिजॉर्ट की जो है वो स्थापना की गई है। छत्तीसगढ़ के 13 जगहों पर ये बनाया जाना है, जिसके लिए 96 करोड़ की लागत से जो है राशि स्वीकृत की गई है और इसे बनाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ में ट्राइबल टूरिज्म सर्किट स्वदेश दर्शन योजना के तहत तीन जगहों पर ये जो एथनिक इको रिजॉर्ट है वो बनाया गया है। अगर हम आपको बताएं तो तीन जगहों पर ये रिजॉर्ट बनाए गए हैं, बिलासपुर में, कबीरधाम में और कोंडा गांव में। इन तीनों जगह ये जो रिजॉर्ट है अब बनकर तैयार हो गए हैं, जिसका ई लोकार्पण आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास स्थान से ही बटन दबाकर इसका ई लोकार्पण करेंगे। और आपको बता दें कि पर्यटन मंत्री जो है ताम्रध्वज साहू जो कार्यक्रम आज किया जाएगा मुख्यमंत्री आवास में, उसकी अध्यक्षता करेंगे और उसके तहत ई लोकार्पण आज किया जाएगा। छत्तीसगढ़ अगर पर्यटन की दृष्टि से देखी जाए तो एक ऐसी जगह है जहां पर्यटन की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्यता, संस्कृति, पुरातत्विक, ऐतिहासिक और प्राचीन तरह की कई ऐसी चीजें हैं। हस्तशिल्प भी अगर हम ले तो ऐसी कई सी चीजें हैं जो देखने में काफी समृद्ध है, काफी दिलचस्प है। तो इन सारी चीजों को एक तरफ से दूरदर्शी लोगों को पास से जानने का मौका मिलेगा, प्रकृति के समक्ष आकर उन्हें पास से पहचानने का मौका मिलेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ट्राइबल टूरिज्म सर्किट स्वदेश दर्शन योजना जो है वो 2016 में गठित की गई थी और इसके साथ ही अब इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसके साथ ही इस टूरिज्म योजना को लगातार जो इको एथनिक रिजॉर्ट है उसके माध्यम से इस तरह से दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ को और करीब से जो टूरिस्ट है वो जान पाएंगे, बाहर के लोग भी उन्हें काफी नजदीक से पहचान पाएंगे। इसके साथ ही रोजगार भी यहां पर बढ़ेगा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा लगातार 13 जगहों को चिन्हांकित किया गया है जहां पर ये इको रिजॉर्ट बनाया जाएगा। तो एक तरफ से देखा जाए तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसे बढ़ावा दिया जा रहा है इसके जरिए। कहा जाता है कि जिस तरह से पुरानी चीजें हैं, पुरातत्व है, प्राचीन चीजें हैं, यहाँ पर आदिवासी संस्कृति की भी बहुत अच्छी एक झलक देखने को मिलेगी। जिस तरह से ये टूरिज्म बढ़ाया जा रहा है, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा इससे और काफी नजदीक से जो लोग हैं वो उसे जान पाएंगे। फिलहाल अभी ये जो तीन रिजॉर्ट है वो बनकर तैयार हो गए हैं, जो इन तीनों अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं। इन तीनों रिजॉर्ट का आज लोकार्पण किया जाना है। 1 बजे कार्यक्रम किया जाएगा मुख्यमंत्री निवास में ही और उस कार्यक्रम की अध्यक्षता गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू करेंगे और 1 बजे बटन दबाकर इन तीनों रिजॉर्ट का ई लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया जाएगा। जी नीति सी के साथ जो ये तीन नवनिर्मित रिजॉर्ट है, टूरिस्ट रिजॉर्ट है, इनमें खासियत क्या है और ये रिजॉर्ट जो है वो कहाँ कहाँ पर है? तीनों रिजॉर्ट जो है वो कहाँ पर मतलब बनाए गए हैं? अगर कोंडा गांव की बात करें तो कोंडा गांव के धनकुल में और कबीरधाम की बात करें तो कबीरधाम के सरोधा दादर में और बिलासपुर के कुर्दुर में, इन तीनों जगह पर ये जो रिजॉर्ट है वो बनाए गए हैं। प्रकृति को और भी पास से जानने का मौका मिलेगा क्योंकि इको रिजॉर्ट ये जो है वो बनाए गए, इको एथनिक रिजॉर्ट है।
तो इस तरह से जो केवल प्रकृति है, जो संस्कृति है, जो पुरातत्व है, जो पुरानी चीजें हैं, उसे बढ़ावा देकर ये जो रिजॉर्ट है वो निर्मित किए गए हैं। और एक तरफ से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में ऐसी कई चीजें हैं जो काफी पुरानी है, जिसको और पास से लोगों को जानने का मौका मिलेगा। ऐसे कई लोग हैं जो छत्तीसगढ़ के बारे में काफी कम जानते हैं, बहुत ज्यादा नहीं जानते। एक तरफ से जब ये 13 स्थानों पे पर्यटन जो रिजॉर्ट है वो पूर्ण तरह तैयार हो जाएंगे, तब यहाँ पर पर्यटन भी बढ़ेगा, लोग आएंगे और जानेंगे कि किस तरह से छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है वो कैसी है। छत्तीसगढ़ में भी संस्कृति की, पुरातत्व की, प्रकृति की कोई कमी नहीं है। अगर प्रकृति की भाव से देखा जाए तो ऐसे कई स्थल है, कई जगह है जहां पर प्राकृतिक सौंदर्यता है। और एक तरफ से आज की स्थिति के हिसाब से प्रकृति से काफी पीछे होती जा रही है मानवता। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर ये 3 रिजॉर्ट जो है वो बनकर अब पूर्णतः तैयार हो गए हैं, जिसका आज ई लोकार्पण किया जाना है। काफी जो रोजगार है, जब ये पर्यटन स्थल पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएंगे तो यहाँ पर रोजगार भी बढ़ेगा और कई तरह से जो दूरदर्शी लोग हैं वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ को देखने पहुंचेंगे। यहाँ की संस्कृति के बारे में, यहाँ के प्राचीनता के बारे में, यहाँ के जो पुरानी चीजें हैं, आदिवासी संस्कृति है जो काफी प्रभावी है और लोगों को जानने में इसे काफी दिलचस्पी रहती है, तो इन सारी चीजों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही जो ये रिजॉर्ट है वो बनाने के लिए अब बिल्कुल तैयार है राज्य सरकार, जिसमें से 3 रिजॉर्ट निर्मित हो चुके हैं। और आज ही उन 3 रिजॉर्ट का ई लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया जाना है। जी इसी के साथ धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर नवनिर्मित 3 जो रिजॉर्ट हैं उसका आज ई लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने जा रहे हैं।